मेरा नाम रणजीत कुमार बंसल है। मकसद तो जी माननीय SDM साहब, माननीय उपायुक्त जी से प्रार्थना करने का ही था प्रेस के थ्रू कि हमारा थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे परमिशन के बारे में पूर्ण विचार करें, क्योंकि हमने तो उनके हुक्म के मुताबिक ही सामान डाला और शुरू किया था लगाना ट्रेड फेयर। अगर हमें पहले पता होता या कोरोना की जो गाइडलाइंस के मुताबिक साहब ने हमारी परमिशन कैंसिल की पहले पता चल जाता तो हम ना आते जी। हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी तो विनती है सरकार से आपके थ्रू कि हमारे बारे में सोचें, हमें एक मौका दें चलाने का। अगर फिर भी उनको लगे कि हम सही नहीं चला रहे हैं या कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर बंद करवा दें, वो तो उनके हाथ में ही है जी, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ। देखो जी, हमारे ग्राउंड में अगर ऐसी कोई बात होती है कि जिस चीज़ की हमारी जिम्मेवारी बनती है तो हम एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हमारे अगर कारण किसी को कोई दिक्कत आई तो हम जिम्मेवार होंगे। ग्राउंड का किराया तो देना ही था जी, वो तो दिया ही हुआ है, 215,000 रुपया किराया दिया जी। अभी कोई बात तो हुई नहीं जी, ना ही हमने उनसे की है। अभी तो हम SDM साहब से मिलेंगे कल को, तो माननीय SDM साहब जो भी हुक्म देंगे आगे उसके हिसाब से ही फिर बात करेंगे जी। पर मांग तो क्या है जी, विनती है कि बस SDM साहब हमारी याचिका पे विचार करें और हमें मेला चलाने का, ट्रेड फेयर लगाने का एक अवसर दें। हम तो उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि एक वो चेकिंग करवा लें, बाद में अगर उनको लगे कि ठीक नहीं चल रहा दो चार दिन बाद तो नहीं ठीक चल रहा होगा तो फिर बंद करवा दें। हम तो उनके हुक्म से ही चलेंगे जी, उनके हुक्म के बगैर थोड़ी। वो आपके पास ठीक है जी, लेकिन ट्रेड फेयर का और स्कूल्स का अलग अलग मैटर है। ट्रेड फेयर का जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए जी, स्कूल का माहौल जो है वो और होता है, ट्रेड फेयर का माहौल और होता है। ऐसे तो हम अगर कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाने के कारण घर में कैद में कैद जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ आएंगे खुले में 10-20 मिनट आधा घंटा टहल लेंगे, कुछ झूले वाले पे चढ़ लेंगे तो मनोरंजन भी तो हो जाएगा ना जी। ये तो दोनों तरफ देखने वाली बात है। नहीं, इतनी भीड़ नहीं होती जी हमारे मेले में, अगर हो जाए तो हम और क्या जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती। आप देख रहे हो 3-3.5 एकड़ का ये ग्राउंड है जी, तो 25-25 फुट की राहदारी छोड़ी हुई है छोटे छोटे झूलों के बीच में, इतनी भीड़ कहाँ होती है जी। फिर भी अगर होगी तो जैसा भी दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम चला लेंगे।